पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। कान्हा कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वह अपना अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, अगर तुम बिना लड़े मर गए तो। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करे, लेकिन उनका क्या करे जो मुस्कुराकर छल करते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर छल करे, तुम्हें धोखा दे, वैसे लोगों से रिश्ता तोड़ लेने में ही भलाई है। जो व्यक्ति रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को जिंदगी से दूर ही रखा करो। दोस्ती और रिश्तेदारी में पैसे उतने ही उधार दो जितना आप में भूल जाने की ताकत हो। वक्त हालात को बदलता है और हालत इंसान को। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ कि लोग अचानक से क्यों पंखे से लटक जाते हैं। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुरा कर चले जाना ही बेहतर होता है। सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। अहंकार कभी मत पालिए क्योंकि वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो तीसरे को पता भी ना चल सके। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस उस व्यक्ति की अहमियत अपने जीवन में कम कर देता हूँ। जिंदगी में कौन कौन आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी तक कौन कौन साथ देता है ये महत्वपूर्ण है। किनारा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर मुझे तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तब वह बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना क्योंकि वो वहां पर नमक जरूर लगाएंगे जहां पहले से ही जख्म होता है। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे हैं। ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, एक दोगला यार और दूसरा झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो पर कभी भी वो दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं होता। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है।
मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। जो बर्दाश्त ना कर पाए वो दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वो रिश्ता कैसा। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज बात लिए फिरते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कहां कब किससे मिलना है और बिछड़ना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है ताकि पता तो चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वो हमेशा दूसरों का कदर करता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब हासिल होगा तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और हमेशा चिंता करना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और न ही मोहब्बत, इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर किस्मत में होगा तो वो खुद आकर आपको मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। नींद भी नीलाम हो जाती है, दिलों की महफिल में किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो उनके साथ नहीं थे। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तभी आप आगे देख पाएंगे। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुन्दर में उतरना ही पड़ता है। अगर आप बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है, अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो समय आने पर ब्याज सहित वापस मिलता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो, याद रखना वक्त सबका आता है। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। जो सबको अपना अपना कहता है वो किसी का अपना नहीं होता। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उन चीजों के बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धिमान वो नहीं होता जो सिर्फ बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो होता है जिसे ये पता है कि कहां चुप रहना है। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। शीशा कमजोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुन्दर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ऐ कान्हा मैंने गिरकर देखा है कि तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं उठाता।
आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।